कम बैक टू माय चैनल। और आज हम सूरत से जा रहे हैं दमन, और आज मैंने सूरत में लास्ट डे था। चलिए चलते हैं। सो गाइज़, अभी हम दमन पहुंच चुके हैं और ये है दमन की नानी दमन बीच, और ये बहुत ही फेमस है। यहाँ पर हाई टाइड है इसीलिए बंद है अभी फ़िलहाल, तो ये बहुत ही अच्छी बीच है। बारिश में नहीं आओगे तो ये आपको ओपन रहेगी, तो बहुत ही मज़ा आएगा गाइज़। तो गाइज़, ये नानी दमन के बाजू में एक मिलिट्री का फोर्ट है कुछ, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है गाइज़। ये पूरा जो आप रोड देख रहे हैं पूरा उसी का ही रोड है, तो यहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल है ये गाइस। ये कैमरा में आपको इतना दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप रियल लाइफ में अगर देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है ये गाइस। तो हाँ, ये देखो ये कितना मस्त रोड है, ये पूरा ऐसे राउंड टाइप है, यहाँ से ही ऐसे घूम के आप पूरा देख सकते हो। ये देखो, ये अगर आप लॉकडाउन में नहीं, लॉकडाउन के पहले आते अगर या लॉकडाउन के बाद, तो पूरा ओपन रहता है ये, मतलब यहाँ पर लोग वो आते हैं, आप यहाँ पर घूम सकते हो पूरा अच्छे से। तो यस गाइस, गाइज़ ये है जमफोर बीच। अभी हम जमफोर बीच पहुँच चुके हैं और ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुका है गाइज़। जब मैं पहले आया था तो ये ऐसा नहीं था, मैं अभी देखूँगा कि और क्या क्या चेंज हुआ है और आपको भी दिखाऊँगा। तो चलिए देखते हैं गाइज़। वाओ, बीच पर हैं, नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ पीछे बीच है जहाँ पर पूरा पानी भर चुका है गाइस। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, यहाँ पर चिल मौसम है, लेकिन पहले ये बीच अच्छी हुआ करती थी, अब बंद हो चुकी है हाई टाइड की वजह से, यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छी बीच है गाइस यहाँ पर। तो यस गाइस, तो गाइज़ अभी हम जमफोर बीच के यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हवा आ रही है गाइज़, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ हवा आ रही है। दमन से मुंबई आते वक्त मैंने कुछ नहीं बनाया क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका था और मैं सो गया था गाइस गाड़ी में ही। तो हाँ,
बस गाइज आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बता देना एंड सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और गाइज अभी जहाँ पर मैं बैठा हूँ बालकनी में, वहाँ से व्यू बहुत ही प्यारा आ रहा है गाइज। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने कुछ स्लो मोशन शॉट्स लिए और टाइम लैप्स भी लिए हैं, आप देखिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले ब्लॉग में, बाय गाइज।